हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने सुबह बीच सड़क बाइक पर जा रहे दूधिये की गोली मारकर हत्या कर दी। दूधिया ने भागने का प्रयास किया लेकिन जान नहीं बच सकी। जानकारी के अनुसार शामड़ी गांव का जोगेंद्र दूध बेचने का काम करता था, जिसको पानीपत नेशनल हाईवे पर स्थित सैनीपुरा गांव के पास बदमाशों ने घेर लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। एसीपी राजपाल ने बताया कि 8 से 10 गोलियां चलाए जाने का अनुमान है और मामला गांव की रंजिश से जुड़ा हुआ हो सकता है। जानकारी के अनुसार जयपाल के बेटे अंकुश पर गांव के ही रविंद्र नाम के शख्स की हत्या के आरोप हैं, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। ये जयपाल उर्फ जोगिंदर है, जो दूध बेचने का काम करता है, शामड़ी गाँव का रहने वाला है। ये करीब 9:15 की आसपास की घटना है। 3 नौजवान लड़के मोटरसाइकिल पे उसको रोका और उस पर फायरिंग की है। 8 से 10 राउंड जो है फायर हुए है। और अभी प्रेमा फेसिया यही है कि 2020 में एक मर्डर हुआ था गांव में, चामड़ी में ही। उसमें जो दूध बेचने का काम करता है, इसके बेटे का नाम आया था और उस पर FIR दर्ज हुई। तो प्रेमा फेसिया हम ये मान रहे हैं कि आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी पोस्टमार्टम होने के पश्चात और अन्य तथ्यों के आधार पर जो भी इन्वेस्टिगेशन आएगा, आप